अलीपुर में सिटी न्यूज एक बार फिर बना मजलूम बच्चियों की आवाज। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ फैसल शहजाद ने रिश्तेदारों के जुल्म से बच्चियों को निजात दिलवा दी। इस वक्त नुमाइंदा सिटी न्यूज मियां खुर्शीद वहां मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी मियां खुर्शीद, क्या कहना है बच्चियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अलीपुर में और सिटी न्यूज़ पर। गुज़श्ता दिनों एक खबर चली थी कि दो मासूम बच्चियाँ जो कि यतीम बच्चियाँ थीं, उन पर उनके रिश्तेदारों की तरफ से जुल्म किया जा रहा था और उनके मकान और ज़मीनों पर कब्जा किया गया था उनके रिश्तेदारों के। इस सिटी न्यूज़ की खबर पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ फैसल शहजाद और डीएसपी अलीपुर नसरुल्ला वड़ैच ने एक्शन लेते हुए उन बच्चियों को उनके जो हक था वो वापस दिलवा लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो दो यतीम बच्चियां जिनके साथ ये ज्यादती हुई थी, हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बताइएगा आप। मैं शुक्रगुजार हूँ डीपीओ फैसल शहजाद साहब और डीएसपी नसरुल्ला साहब और सिटी न्यूज़ की, कि इनकी वजह से हमारे मसाइल हल हो गए और हमें हमारा हक मिला। अच्छा बेटा ये बताइएगा, आपको जो तमाम चीज़ें जो आपकी थी वो मिल चुकी हैं? जी हाँ मिल चुकी हैं, सब कुछ मिल चुका है। और सब कुछ मिल चुका है, घर भी अलहदा मिल चुका है, बाप की जो ज़मीन थी वो भी मिल चुकी है? जी हाँ मिल चुकी है। जी जैसा कि आपने सुना, ये सिटी न्यूज़ की खबर पर ही डीपीओ मुजफ्फरगढ़ फैसल शहजाद साहब ने एक्शन लेते हुए डीएसपी अलीपुर नसरुल्ला वड़ाच साहब को हिदायत की थी, जिस पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से इन यतीम बच्चियों को उनका हक मिल चुका है। जी बहुत शुक्रिया मियां खुर्शीद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।